चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा का नाम लगभग तय। कांग्रेस के लिए जॉट नॉन जाट उम्मीदवार में दुविधा और टिकट फाइनल कराने में कांग्रेस नेता विजय जैन पर जिम्मेदारी। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा का नाम लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस के लिए जाट नॉन जाट उम्मीदवार में दुविधा और वही टिकट फाइनल कराने में कांग्रेस नेता विजय जैन पर जिम्मेदारी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बीजेपी कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है, तो ऐसे में पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा का लगभग नाम तय माना जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? देखिए सोनिया, पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट हरियाणा की होट सीट में से एक है। अगर 10-15 और सीट हरियाणा के विधानसभा की अगर हम चिन्हित करें तो उन्हें पानीपत ग्रामीण भी है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद है इस सीट पर। दरअसल महिपाल ढांडा लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक हैं और अभी मंत्री भी बने थे मार्च में, जो फेरबदल हुआ था, राज्य मंत्री हैं। तो 2-3 और भी दावेदार हैं बीजेपी टिकट के पानीपत ग्रामीण से, लेकिन महिपाल ढांडा का कद बहुत बड़ा है। 2 बार से लगातार जीते हुए विधायक है और फिर मंत्री हैं और आरएसएस से पार्टी संगठन में भी मजबूत पकड़ रखते, तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि महिपाल ढांडा एंटी इनकम्बेंसी और थोड़ा सा जो बदलाव का होता है राजनीति में, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी और थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है, उसके बावजूद पार्टी महिपाल ढांडा पर दाव लगाने को तैयार है और लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। रही कांग्रेस की बात, मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में और कांग्रेस में टिकटार्थियों की संख्या 2.5 दर्जन है, उनमें अगर सीरियस कैंडिडेट भी माने तो 10 से 12 तक है। अब जाट को लोड, क्योंकि महिपाल ढांडा खुद जाट कम्युनिटी से है, अगर कांग्रेस जाट को लड़वाती है तो डिविजन ऑफ वोट्स का खतरा बढ़ जाएगा और विजय जैन अभी थोड़ा सा एज लिए हुए हैं क्योंकि नॉन जाट है और पानीपत ग्रामीण सीट की पृष्ठभूमि भी नॉन जाट की है। 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव कांग्रेस अभी तक हारी और जमानत भी जब्त हुई है। 2009 में पहला चुनाव हुआ था, नॉन जाट ओम प्रकाश जैन यहां से जीते थे, तो नॉन जाट इस सीट को बनाने की लगातार कोशिश होती रही है। अगर कांग्रेस किसी जाट पर दाव लगाती है तो खतरा हो सकता है, क्योंकि महिपाल ढांडा भी जाट है, तो उस स्थिति में इन एलो जो आएगा कैंडिडेट उन वो भी जाट रहेगा, तो डिवीजन ऑफ वोट्स होता है जाटों में, तो नॉन जाट को टिकट देना मेरे को लगता है ज्यादा महफूज होगा कांग्रेस के लिए। हालांकि जो जाट है वो विरोध करें कि विजय जैन अभी 2 महीने पहले ही, 1.5-2 महीना पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, उनका ये कहना है हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, अगर बाहर आए किसी व्यक्ति को टिकट देंगे तो इससे आक्रोश होगा, बगावत भी हो सकती है, जाट दावेदार है। उसके बावजूद कांग्रेस को ये देखना है कि अगर सरकार बननी तो विधायक चाहिए और विधायक मजबूत चेहरा और मजबूत साख वाला ही विधायक बन सकता है और सरकार बनाने में मददगार होगा। तो मेरे को जाट और नॉन जाट के बीच कांग्रेस झूल रही है, लेकिन नॉन जाट पर दाव लगाना मेरे को लगता है जो समीकरण है ज्यादा मुफीद होगा कांग्रेस के लिए। जी देवेंद्र कथूरिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।